मूवी सबसे बहुत ज्यादा बजट की मूवी, बहुत पैसे लगे भाई, किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद मत करो, सब मूवी देखो। ये YouTube पे आ रहे हैं कुछ दिन में, सब मिलके YouTube पे देख लेना। बाकी टिकट लेके जाने का अब मेरे को लगता नहीं है। लाल सिंह चड्ढा जिस तरह पिटी है उस हिसाब से मुझे इन लोगों का माहौल देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी देखने जाएंगे। अभी साल 2022 का आखिरी महीना चल रहा है और बॉलीवुड के लिए ये साल बहुत खराब रहा है। सिर्फ फिल्मों के बारे में ही नहीं बल्कि इस साल में कई कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, चाहे वो रणवीर सिंह का न्यूड फोटो शूट हो या सुष्मिता और ललित मोदी का अफेयर। तो चलिए जानते हैं इस साल की 7 सबसे बड़ी सिनेमा कंट्रोवर्सीज। नंबर 1, लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट। आमिर खान, जिन्होंने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं और कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर इस साल काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। दरअसल लोगों ने लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये मूवी हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप की कॉपी थी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसी मूवी से बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड चालू हुआ और इसका नतीजा ये रहा कि इस साल की कई बड़ी फिल्में फ्लॉप रही और इसी वजह से लाल सिंह चड्ढा भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। नंबर 2, द कश्मीर फाइल कंट्रोवर्सी। कहने को तो ये एक मूवी है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस मूवी ने देश के कट्टरपंथियों के चेहरे को बेनकाब किया था। इस मूवी में कश्मीरी पंडितों के साथ होने वाले अत्याचार को दिखाया गया था। इस मूवी को कई देशों ने बैन भी किया है, जिनमें सिंगापुर भी शामिल है, लेकिन फिर भी ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है। नंबर 3, रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह, जो अपने अतरंगी फैशन सेंस को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी और अपना न्यूड फोटोशूट करवाया। ये बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और कुछ लोगों ने इसकी कंप्लेन पुलिस में भी कर दी थी। एंड एट द लास्ट रणवीर सिंह ने पुलिस स्टेशन आकर बताया था कि उनकी पिक्चर्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। नंबर 4, रणबीर कपूर की मूवी ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट। ब्रह्मास्त्र मूवी को अगर हम इस साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वाली मूवी कहें तो ये गलत नहीं होगा। इसके रिलीज होने से पहले ही इसको लेकर काफी बस बना हुआ था। जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों ने मूवी को बॉयकॉट करने को कहा, क्योंकि ट्रेलर में रणबीर कपूर जूते पहनकर मंदिर में जाते हुए नजर आए थे। इसके अलावा रणबीर कपूर के बीफ खाने का मुद्दा भी उठाया गया था। इसकी वजह से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी को मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिर में विरोध का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज के कारण ब्रह्मास्त्र इस साल की गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाली इंडियन मूवी बन चुकी है। नंबर 5, उर्फी जावेद कंट्रोवर्सी। उर्फी जावेद इस साल अपने अजीबोगरीब आउटफिट्स को लेकर चर्चा में रही हैं। उन्होंने कई बार टॉपलेस होकर फोटो शूट कराया था। इस दौरान उन्होंने अपने ब्रेस्ट को कवर करने के लिए कभी कप्स का इस्तेमाल किया तो कभी शंख का। इसको लेकर उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया था। नंबर 6, सुष्मिता और ललित मोदी का अफेयर। इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कपल में सुष्मिता और ललित मोदी शामिल थे। ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अनाउंस किया था कि वो सुष्मिता को डेट कर रहे हैं और उन्होंने जल्द ही शादी की बात भी कही थी। इस बात को लेकर कई लोगों ने इसका विरोध किया तो कईयों ने इसका मजाक उड़ाया। इसको लेकर ललित मोदी को भी काफी ट्रोल किया गया था। नंबर 7, लक्ष्मी मूवी कंट्रोवर्सी। ये मूवी साउथ फिल्म कंचना की रीमेक थी। इस मूवी का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इस मूवी का नाम एक भारतीय देवी के ऊपर रखा गया था। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी इस मूवी का नाम नहीं बदला जा सका। तो ये थी इस साल की 7 सबसे बड़ी सिनेमा कंट्रोवर्सी। इसमें से आपको सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या लगती है और किस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पहले पता नहीं था, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।